आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ गुलाब जामुन की रेसिपी, वो भी बिल्कुल झटपट तरीके से बनने वाले गुलाब जामुन की रेसिपी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आइए बनाते हैं गुलाब जामुन। गुलाब जामुन बनाने के लिए हम रेडी मिक्स का पैकेट लेंगे। ये 175 ग्राम का पैकेट है, आप किसी भी कंपनी का पैकेट ले सकते हो। इससे गुलाब जामुन झटपट बनकर तैयार हो जाते हैं। तो इसको कट कर लेंगे और इसमें मिक्स पाउडर आता है उसको हम किसी बर्तन में इस तरीके से डाल लेंगे और उसके बाद हमें इसको मिक्स कर लेना है इस तरीके से अच्छे से। और इससे हमें आटा लगाकर तैयार करना है, डो लगाकर तैयार करना है। तो आप पानी या दूध कोई भी एक चीज ले सकते हो, मैंने दूध लिया है। और इससे हम आटा लगाकर तैयार करेंगे। ये मैंने 1/3 कप दूध लिया है, इसको थोड़ा थोड़ा करते हुए डालेंगे और हमें इसे सॉफ्ट डो लगाकर तैयार करना है, क्योंकि इस गुलाब जामुन का आटा एकदम मुलायम और सॉफ्ट होना चाहिए जिससे हमारे गुलाब जामुन बनाते वक्त कटे और फटे नहीं। तो इस तरीके से हमें थोड़ा थोड़ा करते हुए इसमें दूध डालना है। तो 1/3 कप दूध मैंने डाल दिया, थोड़ा सा दूध और ले लेंगे हम एंड में, थोड़ा कम पड़ गया था तो 1 टेबल स्पून और लिया मैंने, लगभग 90 ml। इसको हम डाल देंगे, इसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको इस जो हमने ये तैयार किया है इसको एक जगह इकट्ठा कर लेंगे इस तरीके से। स्टार्टिंग में चिपकता है पर इस तरीके से कंटिन्यू हमें इसको गूंथते जाना है, एकदम चिकना और स्मूथ कर लेना है। तो इसी तरीके से मसलते जाएंगे इसको, एकदम चिकना कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो देखिए, ये मैंने तैयार कर लिया है। इसी तरीके से हमें इसका आटा लगा कर तैयार करना है, एकदम सॉफ्ट। अब हम इसको ढककर रख देंगे रेस्ट पर 10 से 15 मिनट के लिए। 15 मिनट बाद हम चेक करेंगे और फिर से थोड़ा सा चिकना कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें से लोइया तोड़ेंगे। इस तरीके का डो होना चाहिए, सॉफ्ट। अब हम जैसे आप गुलाब जामुन बनाना चाहते हो जिस साइज के, उस हिसाब से हम इसमें से छोटी छोटी लोइयाँ तोड़ देंगे। हमें थोड़ी छोटी साइज के ही तोड़ने होते हैं, क्योंकि जब हम इनको सेक लेते हैं उसके बाद जब चाशनी में डालते हैं तो ये फूल कर डबल हो जाते हैं। तो देखिए, इस तरीके से मैं सभी लोइयों को तोड़ लूँगी सेम तरीके से। तो फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा बेल आइकन के साथ। अब हम एक लोई लेंगे और इससे गोला बनाकर तैयार करेंगे, गुलाब जामुन बनाकर तैयार करेंगे। तो हमें बिना क्रैक वाला बनाकर तैयार करना है। सेम इसी तरीके से हम सभी गुलाब जामुनों को बनाकर तैयार कर लेंगे बिना क्रैक वाले। तो देखिए, मैंने सभी गुलाब जामुनों को बनाकर तैयार कर लिया। इसी तरीके से हमें बिना क्रैक की बॉल्स बनाकर तैयार करनी है। ये मैंने ऑयल को गर्म कर लिया है, इसमें एक गुलाब जामुन में डालकर देख लेती हूँ। तो इस तरीके से बबल्स निकलने चाहिए, इतना ही गर्म होना चाहिए, बहुत ज़्यादा हाई गर्म नहीं होना चाहिए हमारा ऑयल। तो देखिए, ये मीडियम गर्म है, इसमें ही हमें गुलाब जामुनों को डाल देना है। तो इस तरीके से हमें ऑयल को घुमाना है, ये अपने आप ऊपर आ जाएगा तैर कर। जैसे जैसे सिकते जाएगा हमें गुलाब जामुन को टच नहीं करना होता है। अब हम जो और बाकी गुलाब जामुन है उनको भी डाल देंगे इसी तरीके से। तो जितने हम कढ़ाई में आधे ही गुलाब जामुन डालेंगे, एक साथ हमें कढ़ाई को भरना भी नहीं है, नहीं तो इनको घुमाने के लिए जगह नहीं बचेगी, स्पेस नहीं बचेगा। तो देखिए, अब हमें खास तौर पर ध्यान रखना है कि ऑयल को ही घुमाना है, ना कि गुलाब जामुन को टच करना है। यदि हम इस तरीके से गुलाब जामुनों को सेकते हैं तो बिल्कुल परफेक्ट सिककर तैयार होते हैं अंदर से और बाहर से, और एकदम जब हम चाशनी में डालेंगे तो अंदर तक चाशनी चली जाएगी। इस तरीके से यदि हम गुलाब जामुनों को सेकेंगे तो, और गैस का फ्लेम हमें मीडियम रखना होता है इनको सेकते वक्त। तो फ्रेंड्स, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा बेल आइकन के साथ, जिससे आने वाले नोटिफिकेशंस आपके पास सबसे पहले पहुँचे और आप मेरे वीडियो को देख सको। तो देखिए, ये सीख चुके हैं, कितना प्यारा कलर आया है। सेम ऐसे हमें सेक कर तैयार करने हैं। अब हम इनको बाहर निकाल लेंगे। और फ्रेंड्स, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। अब हम दूसरे वेज को भी इसी तरीके से डाल देंगे। पहले हमें गैस को बंद कर देना, क्योंकि ऑयल थोड़ा ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो थोड़ी देर गैस को बंद कर देना, उसके बाद हमें दूसरे वेज को डालना है। तो देखिए, मैंने डाल दिए, अब मैंने गैस को ऑन किया है। अब हम
इनको भी सेम तरीके से सेकेंगे, ऑयल को घुमाएंगे बस, और ये अपना तैरकर ऊपर आ जाते हैं। तो इसी तरीके से हमें इनको ऑयल को घुमाते हुए सेकना है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मैंने और भी गुलाब जामुन की रेसिपीज डाल रखी हैं, मावा गुलाब जामुन की परफेक्ट तरीके से कैसे बनाते हैं आप मेरे चैनल पर देख सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ पर देखकर आप मावा के गुलाब जामुन भी बना सकते हो। बेहद ही टेस्टी गुलाब जामुन बनकर तैयार हुए थे। तो देखिए, ये भी हमारे सीख चुके हैं, इनको भी हम निकाल लेंगे। बिल्कुल ऐसे ही हमें सेक कर तैयार करने हैं। अब हम गैस को तो बंद कर देंगे और इन गुलाब जामुनों को भी बाहर निकाल लेंगे और इनको गरम गरम ही हम चाशनी में डालेंगे, और चाशनी भी हमारी गरम होनी चाहिए। तो ये मैंने चाशनी बनाकर रख रखी है, और चाशनी को कैसे बनाते हैं इसकी रेसिपी की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, दे रखी है मैंने, वहाँ पर देख कर आप बना सकते हो। एक तार की चाशनी, दो तार की चाशनी और तीन तार की चाशनी, ये हमें एक तार की भी बनानी होती है चाशनी। तो इसमें हम इसको डाल देंगे गुलाब जामुनों को इस तरीके से। तो एक बैच के गुलाब जामुन मैं इसमें डाल दूंगी और इनको हमें एक घंटे के लिए इसमें ही छोड़ना है चाशनी में, जिससे ये परफेक्ट तरीके से अंदर तक इनमें चाशनी चली जाए और एकदम फूल कर डबल हो जाएंगे। देखिए, अभी तो ये तैर रहे हैं, बाद में ये अंदर डूब जाएंगे। तो आधा एक घंटे के लिए हम इनको रख देंगे और अब हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए, ये आधे से ज़्यादा डूब चुके हैं, क्योंकि इनमें चाशनी अंदर तक जा चुकी है। सेम ऐसे ही हमें तैयार करने हैं, और चाशनी की रेसिपी की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, वहाँ पर देखकर आप सभी तरह की एक तार, दो तार, तीन तार की चाशनी बना सकते हो परफेक्ट तरीके से और परफेक्ट मेजरमेंट के साथ। तो देखिए, अंदर तक रस चला गया, एकदम स्पंजी बनकर तैयार हुए हैं। अब हम चेक कर लेते हैं किसी बर्तन में लेकर इनको। तो हम कोई भी प्लेट लेंगे, देखिए मैं स्पंजनेस भी बता देती हूँ इसकी कितनी अच्छी आई है। अब हम कोई भी प्लेट लेंगे और उसमें मैं इनको कट करके भी बता दूंगी, किसी भी चम्मच की सहायता से बड़ी आसानी से कट हो जाएंगे, क्योंकि एकदम सॉफ्ट और मुलायम बनकर तैयार हुए हैं। तो इनको यदि हम परफेक्ट तरीके से सेकें तो ये एकदम सॉफ्ट और मुलायम बनकर तैयार होते हैं गुलाब जामुन। तो देखिए, आसानी से कट हो गए। अब मैं एक गुलाब जामुन चाकू से भी कट करके बता देती हूँ। जब ये इनमें चाशनी अच्छे से चली जाती है तो ये डूब जाते हैं चाशनी में अच्छे से। तो फिर से हम कोई भी बर्तन लेंगे और उसमें चाकू की सहायता से कट करके देख लेंगे, एकदम परफेक्ट तरीके से चाशनी अंदर तक चली गई है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स एक नई रेसिपी के साथ बहुत जल्द। धन्यवाद।